Hello and welcome dear students, welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So coming to my teaching experience, I have mentored many students and educated some math aspirants in my past 2 years. So bachcho, ab hum log trigonometry cover kar rahe hain aur trigonometry ka aaj hamara lecture number 4 hai. तीन लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और आज के लेक्चर्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स देखने वाले हैं. ग्राफ्स जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हालांकि इसमें एनसीईआरटी में जितना डिटेल दिया हुआ है मैंने इसमें उतना कवर किया है. मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं, मतलब किस रेंज में ग्राफ बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं उस रेंज में. ओके, तो वो सब चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप के नाम से. आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे. सबसे पहले तो आपको नोट्स की पीडीएफ जो होगी वो सब आपको मिलती रहेगी. दूसरी चीज, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे उस ऐप पर. तीसरी कि आपको जो हमारे डेली क्विजेज रहते हैं वो सारे डेली क्विजेज आपको मिल जाएंगे. एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासेस की नोटिफिकेशन. जो हमारी लाइव क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलती रहेगी. तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको उठाने हैं तो बच्चों जाइए तुरंत प्ले स्टोर से लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री में आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने अपनी पिछली क्लास में आधी देखी थी, आधी भी नहीं 1/4 देखी थी. तो चलिए देखते हैं क्या है वो. वो है ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल. आपने क्या किया था, आपने केवल 90s तक वैल्यू देखी थी, आपने केवल यहां तक वैल्यू देखी थी, इसके बाद की टेबल आपने नहीं देखी. तो बच्चों ये हमारी पूरी टेबल होती है और ये पूरी टेबल मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि ग्राफ के लिए मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन देना चाहती हूँ और वो विजुअलाइजेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है. आप अगर गौर से देखो तो ये साइन की वैल्यू जो है ये हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है. अगर इसे देखो तो ये जीरो से स्टार्ट होगी, ये वन तक जा रही है. वन के बाद ये वापस घटनी चालू हो गई और वापस जीरो तक गई. जीरो से वन तक गई, फिर ये वन से वापस घटनी चालू हुई, जीरो तक गई. फिर ये और घटनी चालू हुई और माइनस वन तक गई. घटते घटते वापस माइनस वन तक गई. फिर क्या हुआ, फिर ये फिर बढ़ी और फिर बढ़ के फिर जीरो तक गई. और हमें पता है कि 2π के बाद वो वैल्यू वापस रिपीट करना चालू कर देता है. तो मतलब जीरो पहुंची 2π पर तो जीरो से फिर वन जाएगी, फिर वन से जीरो, फिर जीरो से माइनस वन, फिर वन से माइनस वन से जीरो. तो कैसा लग रहा है कि पहले माइनस जीरो थी, फिर वन तक गई, फिर जीरो तक आया, फिर माइनस वन तक गए, फिर जीरो तक गए, फिर वन तक गए, फिर जीरो तक आए, फिर माइनस वन तक. तो इस तरह से कुछ कुछ दिखेगा हमें, इस तरह से कुछ दिखने वाला है. क्या दिखेगा ये हम बाद में देखेंगे, अभी एक फील लेनी है कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है एक्चुअल में. तो साइन में तो ये चीज हो रही है. अब कोस में क्या हो रहा है कि जब एक्स जीरो है, जब थीटा जीरो है, तब आप देखो कोस वन है, फिर ये घटा जीरो तक, फिर जीरो से फिर और घटा माइनस वन तक, फिर माइनस वन से फिर बढ़ा, फिर जीरो तक गया, फिर बढ़ा और फिर वन तक गया. तो आप देख सकते हो कि साइन और कोस जो है ये दोनों ही जो है ये कुछ भी हो जाए लेकिन माइनस वन से वन के बीच में ही है. ना तो कोई इनमें से माइनस वन से कम हो रहा है ना वन से ज्यादा हो रहा है. 2π के बाद तो हम क्या बोल सकते हैं, 2π के बाद तो वैल्यूज हमारी रिपीट करने वाली है तो उसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. दिक्कत कहां है, हमें सिर्फ 0 से 2π तक में देखना है. और आप 0 से 2π तक में देख सकते हो कि साइन थीटा ना तो 1 से ज्यादा हो रहा है और ना फिर ना ही माइनस 1 से कम हो रहा है. तो मतलब ये माइनस 1 से 1 के बीच में cos भी और sin भी. अब बात करते हैं tan की. तो ये देखो 0 से इंक्रीज हुआ और इंफिनिटी तक चला गया. अब इसने 0 से इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज ले लिए. अब हमें यहां पर दिख रहा है इंफिनिटी से फिर कम होते होते नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए इसने और ये 0 ले लिया. तो मतलब इसने माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब इसने इंफिनिटी से 0, 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 सारी वैल्यूज कवर कर ली, ठीक है. फिर ये इंफिनिटी तक जाएगा और फिर 0 तक आएगा, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा. तो इस तरह से अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा. तो मतलब इसकी ये तो सारी की सारी वैल्यूज कवर कर रहे हैं. ऐसे ही आप देखोगे तो कोट भी सारी वैल्यूज कवर कर रहे हैं. ये इंफिनिटी से 1 तक जाएगा, फिर ऐसे ही ये सॉरी कोसेक है ये. तो पहले कोट को डिस्कस कर लेते हैं. कोट क्या कर रहा है, देखिए माइनस इंफिनिटी से 0, फिर 0 से इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी से 0, फिर माइनस में आया, फिर इंफिनिटी में गया. तो मतलब इसने भी सारी वैल्यूज कवर कर ली. तो कोट भी हमारी सारी वैल्यूज ही कवर कर लेगा. तो कोट की भी जो हमारी रेंज हो जाएगी वो आर हो जाएगी. ये सारी वो वैल्यूज है. रेंज मतलब है कि वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. रेंज मतलब है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. तो कोट जो हमें वैल्यूज देगा वो क्या क्या दे सकता है, वो सारी वैल्यूज दे सकता है. मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज वो हमें दे सकता है. अब अगर हम देखें कोसेक और सेक में, तो आप इसमें देखिएगा
ये इन्फिनिटी से टू और फिर टू से लेके केवल वन तक वैल्यू थी, वन से वैल्यूज वापस बढ़नी चालू हो गई, फिर इन्फिनिटी तक गई, फिर माइनस वन, फिर माइनस वन तक देगा ये वैल्यूज, तो माइनस वन तक देते देते फिर माइनस वन से छोटी देने लगेगा। तो हो क्या रहा है कि इसमें या तो आपकी वैल्यूज माइनस वन से छोटी हैं और या फिर वन से बड़ी, माइनस वन और वन के बीच में इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इस पूरे डाटा को देखो तो इस पूरे डाटा में माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें सेक के साथ भी यही हो रहा है, तो सेक एक्स में भी यही हो रहा है कि इसमें हमारे पास वैल्यूज जो है वो पहले वन से बढ़ती रही, फिर उसके बाद ये घटती रही और माइनस वन तक गई, फिर बढ़ी, फिर सॉरी माइनस वन से फिर घट रही है, फिर माइनस इन्फिनिटी तक, फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रही है और फिर वन तक जा रही है। तो इस तरह से वैल्यूज हो रही है हमारे पास, मतलब यहाँ पर भी आपके पास सेम रेंज रहेगी, मतलब सेम वैल्यूज भी sec आपको देने वाला है जो कि cosec दे रहा है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि sin, cos, tan, sec, cosec ये सब किस तरह की वैल्यूज दे सकते हैं। ये तो हुआ कि किस तरह की वैल्यूज दे रहे हैं, अब देख रहे हैं कि किस तरह की वैल्यूज ये ले सकते हैं। देने का तो हमने देख लिया, अब ये लेंगे किस तरह की वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो। देखिए साइन और कोस तो ऐसे फंक्शन है जिनमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो। दिक्कत किन के साथ होने वाली है, टेन सेक कोसेक और कोट के साथ। तो हम देखेंगे कि साइन एक्स जीरो कब होता है, जब हमारा एक्स एन पाई हो जाए। कोसेक तब जीरो होता है मतलब जब हमारा एक्स जो है वो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू हो जाए, तब हमारा कोस जीरो हो जाएगा। अब कोसेक इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन एक्स, ये हर जगह डिफाइन होगा, ये सिर्फ तभी डिफाइन नहीं होगा जब साइन एक्स क्या हो जाए जीरो। इसका मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, अगर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए तो मतलब एक्स जो है वो एन पाई को मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी वो आर माइनस एन पाई हो जाएगी। पूरे डोमेन वाला कंसेप्ट हम पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा सेक एक्स की अगर बात करें तो ये होता है वन अपॉन कोसेक। अब ये डिफाइन कहीं नहीं, कहां नहीं होगा, जहां पर कोसेक्स क्या हो जीरो हो, तो इसका मतलब हमें कोसेक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक्स जो है वो पाई बाय टू का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी ये हो जाएगी आर माइनस 2n plus 1 pi by 2, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ऐसे अगर tan x को देखो तो उसे हम sin upon cos लिखते हैं, तो cos 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही cot में sin cos upon sin मतलब sin 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू n pi के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें बेसिकली ग्राफ देखना है। तो साइन का हमने देखा था कि साइन कोई भी वैल्यूज ले सकता है और वो उसकी जो वैल्यूज रहेंगी वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में ही देगा, माइनस वन से वन के बीच में उसके अलावा कोई और वैल्यू वो नहीं दे सकता, केवल माइनस वन से वन के बीच में देगा। अगर ये माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू देगा तो साइन का ग्राफ अगर हम देखें तो जीरो से लेकर पाई बाय टू में पहले वो जीरो से वन तक बढ़ता है, फिर पाई बाय टू से पाई में जीरो से वन से लेकर जीरो तक घटता है, फिर जीरो से माइनस वन तक घटता है और फिर माइनस वन से जीरो तक बढ़ता है। तो इस तरह से हम जीरो से पाई में टू पाई में इसका ग्राफ बनाएंगे। और इसके बाद तो क्या होता है, ये ग्राफ रिपीट करता है, मतलब जो ये है ये ग्राफ क्या करेंगे, रिपीट ही करेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक्स का भी ग्राफ हम सेम तरीके से देख सकते हैं। इसका भी हमें पता है कि इसकी जो रेंज है वो माइनस वन से बनी होगी, ना तो ये माइनस वन से छोटा हो सकता ना वन से बड़ा हो सकता। अगर आप इसके ग्राफ को गौर से देखो तो ये जीरो से लेकर, जब हमने वो स्टार्टिंग में जो आपको टेबल दिखाई थी, जीरो से लेकर पाई तक तो ये माइनस वन से वन तक घटता है और फिर ये पाई से जब टू पाई तक जाओगे तो माइनस वन से वन तक बढ़ता है और फिर जीरो से टू पाई के बाद तो ये वैल्यूज रिपीट ही करने वाला है, तो हम ग्राफ को रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से हम कोसेक्स का ग्राफ बना सकते हैं और इसमें एक्स की हर वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो आप इसमें एक्स की हर वैल्यूज पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टेन एक्स। टेन एक्स में अगर देखो तो डोमेन जो होगी, मतलब आप इसमें कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, मतलब आपको इसमें ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पुट नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और रेंज जो होगी वो तो आर होगी, ये तो हमने देखा ही था, जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा था, टेन और कोट, टेन बी और कोट बी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज इसने कवर कर ली थी। तो अगर इसमें हम देखें तो डोमेन है इसकी सब कुछ एक्सेप्ट पाई बाय टू का ओड मल्टीपल्स, तो अब पाई बाय टू का ओड मल्टीपल्स क्या होगा, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू आगे आएगा यहां पर कहीं, ठीक है।
इस तरह से, मतलब इन पर क्या हो रही है, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मिलती है, इन पर ये वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी मिलती है। अगर आप उस टेबल के अकॉर्डिंग इस पर डाटा प्लॉट करना चालू करेंगे तो हमें ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा, यहाँ पर जीरो पर जीरो जाता है और पाई बाय टू पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और पाई बाय टू पर क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है पाई पर वापस जीरो हो रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए उस डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर देखें कोसेक एक्स, ओके पहले कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स को अगर देखा जाए तो इसमें डोमेन हमारी, क्योंकि कोसेक एक्स क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स, मतलब आपका साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो एन पाई नहीं होना चाहिए। तो पाई का जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल होगा, देखिए पाई पर ये इन्फिनिटी हो रहा है, टू पाई पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, ये इस तरह से। इसका ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, अगर आपको कोसेक्स का ग्राफ मालूम है, अगर आपको कोसेक्स का ग्राफ मालूम है तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल हो जाएगा, सॉरी हाँ साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आपको अगर पता है तो देखिए आप साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना ही सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ एक बार बना लिया तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस ग्राफ को जैसे जीरो से पाई में आप देख रहे हैं तो ऐसा है, इस ग्राफ को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो जो ये और इसे उल्टा कर करके जो भी ग्राफ्स बनेंगे, ये रेड को हटा दीजिए और जो ये ब्लू ग्राफ बचा ये हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स का ग्राफ। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि ये या तो माइनस वन से छोटा ही है और या फिर वन से बड़ा ही है, माइनस वन से वन के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सेक एक्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेक एक्स के लिए भी हम कोसेक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो कोसेक्स का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक बार कोसेक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया तो इसके बाद तो हमें केवल कोसेक्स को उल्टा कर देना है। कोसेक्स को जब हम उल्टा कर देंगे, तो वो अच्छे से बनाते हैं इसको, कोसेक्स को जब उल्टा कर दोगे तो ये मिलेगा, ये वाली जब ब्रांच को उल्टा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे ये वाली ब्रांच को जब उल्टा करोगे तो ये मिलेगा। तो ये जो कटोरे दिख रहे हैं आपको, यही हमारा सेक एक्स का ग्राफ है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज केवल या तो वन से बड़ी है या माइनस वन से छोटी है, इस रीजन में इस ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमने पहले आपको बताया था उस डाटा के अकॉर्डिंग जो इसकी रेंज होती है वो या तो माइनस वन से छोटी होगी या वन से बड़ी होगी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट कोटेक्स, एक लास्ट ग्राफ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोटेक्स। इसकी हमने बताया था कोटेक्स क्या होता है, कोस अपॉन साइन, मतलब आपका साइन एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब पाई के मल्टीपल्स पर, जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, इस पर भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो हमने बोला था कि पाई के मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं होगा या पाई के मल्टीपल्स पर इनफाइनाइट होगा। तो जब आप उन वैल्यूज को प्लॉट करते हो तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का मिलता है, और आप इसमें देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब ये हर वैल्यूज के लिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज तो देगा ही देगा। क्लियर है? तो कोटेक्स की रेंज इसीलिए हमारी ऑल रियल नंबर्स, तो ये रीजन था इनकी रेंज के पीछे। चलिए नेक्स्ट, ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। बच्चों अब यहां से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज स्टार्ट होने वाले हैं, उन फॉर्मुलाज को आप एक एक फॉर्मुले को देखना और एक एक फॉर्मुले पर अमल करना, आप उसे देखना ध्यान से और समझना, वो सारे फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं। ओके देखिए मान लीजिए साइन माइनस एक्स है, अगर हम देखें कि हर एंगल में आप देखो साइन कोस टेन सेक कोट और कोसेक, डिफरेंस क्या है कि यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा है, और आप गौर से देखो केवल दो ही फॉर्मुलाज ऐसे हैं जिसमें फाइनल रिजल्ट में हमें माइनस नहीं मिल रहा है, बाकी सब में आप देखो तो माइनस 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 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ये लेट से फर्स्ट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड होगा और ये सेकंड होगा। क्लियर है? ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर मैं साइन के लिए आपको बता देता हूं, देखिए साइन माइनस एक्स को हम जीरो माइनस एक्स लिख सकते हैं, और जीरो मतलब ये वाली लाइन, जीरो मतलब हमारी ये वाली लाइन। अब वो बोल रहे हैं माइनस एक्स, और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइनस का मतलब होता है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो अगर इस लाइन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एंगल जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आकर रुकेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर रुकेंगे। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर रुक रहे हैं तो वहां पर साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे और लिखेंगे साइन एक्स,
इसीलिए माइनस साइन एक्स है। अगर कोस के लिए मैं ये बात करूं दैट इज कोस जीरो माइनस एक्स, तो उसमें आप ये नहीं लिखोगे कोस जीरो माइनस एक्स में ये नहीं लिखोगे, क्योंकि जब कोस माइनस एक्स की बात होती है तो मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, इधर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन के साथ कोस एक्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, तो इसीलिए हमारे पास केवल सेक और कोस के साथ ही पॉजिटिव साइन आता है, बाकी सबके साथ हमारा नेगेटिव साइन रहेगा। क्लियर है? तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, ये तो आपको याद करनी है, और अब इनका यूज कर करके हम और फॉर्मूले देखते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट है कोस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, बहुत लंबा डेरिवेशन है इसका, इसका एनसीईआरटी में डेरिवेशन है जो किसी आपके काम का नहीं है, आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला ही याद करना है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट इज कोस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस सॉरी कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर? यहां पर ये चीज देखने वाली है, यहां पर ये चीज देखने वाली है कि अगर यहां पर ये कोस है और प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और कोस एक्स कोस वाई आएगा, साइन एक्स साइन वाई आएगा। क्लियर? अगर ये कोस एक्स माइनस वाई हो जाए तो क्या इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है? नो, ये फॉर्मूले को याद करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले फॉर्मूले में अगर वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दें तो क्या हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, करके देखते हैं। अगर इसमें हम y की जगह माइनस वाई पुट करें तो क्या मिलेगा? cos x इंटू कोस माइनस वाई, कोस माइनस वाई क्या होता है? cos y माइनस साइन x एज इट इज, साइन y की जगह साइन माइनस वाई, और साइन माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस साइन y, और माइनस माइनस प्लस होके बना देगा यहाँ पर cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो बताइए फॉर्मूला मिल गया क्या? तो इसलिए मैंने ब्लू कलर से लिखा है कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऊपर वाला याद रख सकते हैं और उसमें y की जगह आप माइनस वाई पुट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास cos pi by 2 minus x। ऐसे ही आपको cos 3 pi by 2 minus x भी याद रखना है, ऐसे ही आपको cos pi minus x भी याद रखना है और cos 2 pi minus x भी याद रखना है, ये सब आपके लिए एज अ होमवर्क है। ऐसे ही आपको cos 2 pi plus x प्लस वाले भी, cos 3 pi by 2 plus x, cos pi plus x, बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे बन जाएंगे, तो ये सारे आपको याद रखने। और ये कैसे निकालेंगे हम? देखो इसके लिए हमने क्या किया, हम पाई बाय टू वाले के लिए बता देता हूं, इसके लिए हमने क्या किया, x की जगह पाई बाय टू रख दिया इस फॉर्मूले में और y की जगह x रख दिया, तो अब क्या मिलेगा हमें? cos पाई बाय टू इंटू cos x प्लस साइन पाई बाय टू इंटू साइन x। तो ये क्या बन गया? तो जीरो बन जाएगा क्योंकि cos पाई बाय टू जीरो हो जाएगा, ये वन इंटू साइन x, तो मिल जाएगा हमें साइन x। क्लियर है? तो इस तरह से करके हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का निकालने के लिए भी हमने जो काम पीछे किया है वही यहाँ भी करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वाई की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। ऐसे ही साइन पाई बाय टू माइनस एक्स निकालना है तो इस फॉर्मूले में हम एक्स की जगह तो पाई बाय टू पुट कर देंगे और वाई की जगह हम एक्स पुट कर देंगे, तो आपको साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शायद ये लास्ट चीज है, इसमें हम क्या करेंगे, ये tan x plus y का भी याद रखना है आपको। देखिए tan x plus y को हम क्या लिख सकते हैं, sin x plus y on cos x plus y। तो sin x plus y का फॉर्मूला हमने देखा है दैट इज sin x cos y plus cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x plus y का हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस के फॉर्मूले में अगर बीच में साइन प्लस है, यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको हम कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को, तो बचेगा साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन यहां पर कोस एक्स कोस वाई और यहां पर भी कोस एक्स कोस वाई। अब ये अगर आप देखो तो कोस वाई कैंसिल, कोस एक्स कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल, और यहां पर फाइनली अगर रिजल्ट हम लिखें तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन जाएगा टेन एक्स माइनस साइन वाई प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई बन जाएगा टेन वाई और डिवाइडेड बाई ये तो वन बन गया माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बनेगा टेन एक्स
और साइन वाई अपॉन कोस वाई बन जाएगा टेन वाई। तो देखिए यही फॉर्मूला बन गया ना, यही फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोले टेन एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो टेन एक्स माइनस वाई भी हम बहुत इजीली ये लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, y की जगह हम माइनस वाई पुट कर देंगे, और हमें पता है दैट टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स होता है, ये याद रखना, और इस रिजल्ट के साथ इसको भी प्रूव कर लेंगे। क्लियर है? अब ये तो कर लिया, यहां पर ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूं। आपको निकालना है कोट एक्स प्लस वाई और कोट एक्स माइनस वाई, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कोट एक्स प्लस वाई और कोट एक्स माइनस वाई कैसे आते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ्स देखे, ग्राफ्स कैसे आते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने देखे कुछ फॉर्मूले, और इन्हीं फॉर्मूले की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये हमारा लगभग एक या दो लेक्चर लेगी पूरी सीरीज, फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में आई होप आपको सबको मजा आ रहा है, और ऐसे ही मजा आता रहेगा। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।